बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो हम अपने जो है वो फोर्थ वीडियो के साथ, जिसके अंदर बेसिकली हम कंक्लूड करेंगे सारी डिस्कशन को कि डीएचए गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया कि डीएचए बहावलपुर को जो है वो हमने क्यों नहीं कहा। देखिए, डीएचए बहावलपुर का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि डीएचए बहावलपुर के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली प्राइसेस भी आती हैं, सिमिलरली उसकी आबादी और उसकी चीज़ें भी आती हैं। जो मेरा फियर फैक्टर है डीएचए बहावलपुर के मामले, वो आपको यहाँ से पता चलेगा जो मेरा फियर फैक्टर डीएचए गुजरांवाला, पेशावर और मुल्तान के बारे में एग्जिस्ट करता है, और वो है स्लो लिक्विडिटी। हमने पेशावर के अंदर काफ़ी फाइल्स ली और सारा कुछ किया। प्रॉब्लम ये आया कि अभी तक वहाँ पर लिक्विडिटी स्लो है। लाहौर के अंदर सिर्फ लाहौर का बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कराची का बहुत बंदा इन्वेस्ट कर रहा, पूरे पंजाब से इन्वेस्टमेंट जो है लाहौर आती है। अब पेशावर के अंदर अगर तो ट्रेंड चेंज होता है लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर, पूरे पेशावर से इन्वेस्टमेंट पेशावर डीएचए लेकर आता है, बट उसके लिए उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो फिर तो ट्रेंड अच्छा बन जाएगा। लेकिन जो इनिशियली हमें वहाँ पे एक फीलर आया वो ये आया कि जैसे 9 PRISM की जब लाहौर में बैलेटिंग हुई तो उसकी सेल परचेज बहुत तेज थी प्लॉट्स की, और आपने साल डेढ़ साल के अंदर उसको देखा कि वो कहाँ से कहाँ चला गया। सिमिलर इफेक्ट हमें पेशावर में नहीं मिला। इमीजिएट बैलेटिंग के बाद जो है प्राइसेस ज़रा स्लो, क्योंकि इन्वेस्टर वहाँ पे कम है इन एनी केस। सो लेट्स सपोज लाहौर के अंदर अगर 10 प्लॉट बिक जाते हैं एक महीने के अंदर, तो वहाँ पर एक महीने के अंदर एक या दो ही बिकेंगे। तो एक ओवरऑल लिक्विडिटी, जितने छोटे शहर में आप जाएंगे, जो पहला हमारा कंपैरिजन है वो ये कि जितने आप छोटे शहर में जाएंगे वहाँ पर आप ये बात याद रखें कि लाहौर में अगर आपको एवरेज प्लॉट सेल करने के लिए 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीने लगते हैं मैक्सिमम, आपको छोटे शहर के अंदर वही प्लॉट सेल करने के लिए 6 महीने भी लग सकते हैं। सो अगर आप बाइंग कर रहे हैं छोटे शहरों के अंदर, फाइल्स के अंदर प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, सारा कुछ अच्छा होगा, पर आपका जो स्लो लिक्विडिटी, आपका प्लॉट का लिक्विडिटी पीरियड है, उसको एटलीस्ट 4 to 6 months में जहन रखें। डेवलपमेंट के बाद भी वहाँ पे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप अगर जाते हैं डीएचए, सॉरी सिटी हाउसिंग के अंदर, वहाँ पे इतना टाइम लग जाता है 4 से 6 महीने। तो ये छोटे शहरों के अंदर एक ये फ्लॉ छोटा सा आपको है। हाँ, अगर आप प्राइस तोड़ेंगे, कम करेंगे, ऑब्वियसली वो लाहौर में भी 24 घंटों में बिक जाता है, वहाँ पे भी जितनी आप तोड़ेंगे उस हिसाब से वहाँ पे भी जल्दी बिक जाएगा। बट अगर आप उसको पूरे प्रॉफिट के ऊपर सेल करना चाहते हैं तो यस, यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट। अभी पिछले दिनों मुझे याद है, आज से 2-3 साल पहले हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कोई घर हमने लेके दिया, उनका प्लॉट था पॉपलेट कॉलोनी के अंदर ही मुल्तान में। इट टुक हिम 6 months टू सेल दैट प्लॉट, जो वहाँ की प्राइस थी, क्योंकि वहाँ पे बायर कम है ना, हाउसिंग स्लो है, जेन्युइन बायर जरा स्लो है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है लाहौर के अंदर। देखें, बहुत सारे लोगों ने सेकंड हाउसेस बनाए हैं। आई नो फैमिलीज फ्रॉम सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उन्होंने यहाँ पे घर लिया हुआ। मुल्तान में ऐसा नहीं होगा कि लाहौर का रहने, आप कहेंगे कि मैं मुल्तान में घर बना लूं? जो लाहौर के जितने इन्वेस्टर्स हैं वो मुल्तान में कहेंगे कि अंटिल अनलेस उनकी फैमिली उधर ना हो, फिर वो कहेंगे। तो वहां का जो जेन्युइन इन्वेस्टर है वो स्लो है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वो डेमोग्राफिक्स की बात जो है वो इंपॉर्टेंट आ जाएगी। लाहौर चूंकि सेंटर है और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सेंटर है, इट इज मतलब कराची ठीक है, आपका इकोनॉमिकल हब है, इकोनॉमी का आपका हब है इस वक्त, लेकिन लाहौर की जो लोकेशन है वो एक तरह से सेंटर है। मतलब कराची का बंदा जो अगर बिजनेस कर रहा है वो लाहौर में भी इन्वॉल्व है, वो इस्लामाबाद में इन्वॉल्व है, उसकी पहले ये 3 cities प्रायोरिटीज हैं। तो लाहौर के अंदर बहुत सारा जो है वो सेकेंडरी हाउसेज, सेकेंड हाउसेज इस तरह के लोगों के मौजूद हैं, बिजनेसमैन गुजरांवाला के उनके घर इधर मौजूद हैं, सियालकोट के उनके घर इधर, वजीराबाद के रहने वाले उनके घर मौजूद हैं, फैसलाबाद के रहने वाले उनके घर इधर मौजूद हैं। रीजन्स क्या हैं? इट्स नॉट जस्ट कि दे वॉन्ट टू लिव इन लाहौर, इट इज़ बिकॉज के लाहौर के अंदर उनको ये चीज़ फ़ायदा मिलती है। लेट्स सपोज उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने उनको लम्स में पढ़ाना है, LSE में पढ़ाना है, क्या करें। इसी वजह से जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड जो अपार्टमेंट्स का आ रहा है, क्या ख्याल है आपका किस वजह से आ रहा है? अपार्टमेंट्स एक छोटी कंफाइंड जगह है, मेंटेनेबल भी अच्छी है, और पूरा घर रखने से बेहतर है बाहर के सिटी के लोगों के लिए कि वो अपार्टमेंट्स ले लें। इसलिए गुलबर्ग के अंदर ये गोल्ड क्रेस आप देख रहे हैं, ये चीज़ें देख रहे हैं, इनकी ग्रोथ तेजी से हो रही है। सो जब आप ये इन्वेस्ट करना चाहें और अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि यार लाहौर में करूँ, मेरे पास 50 लाख रुपया है, या मैं बाहर करूँ, तो आप क्या करेंगे?
अभी लाहौर के अंदर भी फिर हमारे पास 50 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर फाइल आ जाती है DHA फेस टाइम की, तो उसके अलावा फिर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं 5 मरले की और ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स। तो आप ये चीज़ एक जहन में रखें कि वहाँ के अंदर अगर आप करते हैं तो वहाँ पे ओवरऑल, एक तो आप एक कैनाल में जा रहे हैं, ओवरऑल इन जनरल वहाँ के प्लॉट की प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी, बट विद स्लो लिक्विडिटी एंड वेटिंग लिटिल बिट मोर टाइम। वही पैसा अगर आप लाहौर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, एक आपके पास आपके सामने रहेगा, लिक्विडिटी आपकी तेज़ होगी, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपसे देता हूँ, इस वक्त नाइन टाउन में क्या प्राइस चल रही है? 55 से 75 से बहुत ज्यादा जंप अगर चला गया तो 1.2 बहुत ज्यादा 5 years। अब 5 years में हमने उस जगहों के ऊपर जितनी भी हमने एवेल्यूएशन किया वहां पे आपको कोई भी जगह तकरीबन 1.5 से कम नहीं थी, मतलब 2 करोड़ में भी जा सकता है, 75 पे भी जा सकता है, 2 करोड़ में भी चला जाएगा, बेनिफिट ज्यादा है, मार्जिन ज्यादा है, बट लिक्विडिटी स्लो है। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने देखने, फिर एक जो इशू है फाइल के साथ एक इनहेरेंट रिस्क है कि आप जब फाइल बैलेटिंग में निकलती है वो लोकेशन क्या निकलती है वो ही मैटर करती है। अब जिन लोगों ने पेशावर में लिया है उनमें वो तो बड़े खुश हैं जिनका A, B और C में निकला है, बट बहुत सारे लोगों का पीछे ब्लॉक्स में भी निकला है वो इतने खुश नहीं, आगे जाके मसला। तो बेसिकली जब आपने इसको देखना है तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसने आपने डिसाइड करना है। अगर आप बाहर करते हैं स्लो लिक्विडिटी होगी, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ आपको मिलेगी, और 5 years में आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इन 2-3 जगहों के ऊपर। बट आप लाहौर में करते हैं आपको फास्ट ग्रोथ मिलेगी, लाहौर के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है तो देन डोंट स्टिक टू वन प्लेस। फिर आप ये है कि आप नाइन टाउन में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं, इन्वेस्ट समवेयर एल्स, यू सो आप ट्रेड करते हैं तो देन यू विल बी एबल टू मैच अप दिस ग्रोथ। सो आई होप कि हमने जो है ना वो तकरीबन समुंदर को जो है ना वो आज कूजे में बंद कर दिया ना, आई होप इट हेल्प्स एवरीवन आउट देयर। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन हैं इस मामले में, कोई आपका सजेशन हो, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप दिस हेल्प यू गाइज अ लॉट। और इंशाल्लाह ताला विल कीप कमिंग बैक विद मोर वीडियोज़ एंड मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द फ्यूचर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।